नमस्कार साथियों, फार्मर फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सियाराम विश्नोई। आपके ही अपने चैनल को आप सबकी बदौलत से, आपके ही सहयोग से इस चैनल को देखने वालों की संख्या लगभग 8 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। आप सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिससे आप सभी की वजह से ये आपका ही अपना चैनल ऊंचाइयों पर जा रहा है और आप सभी की बदौलत से 8 लाख के लगभग देखने वालों की संख्या हो चुकी है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप इसी तरह इस चैनल को देखते रहिए और मनोरंजन करते रहिए। मैं आप तक किसान से जुड़ी हुई खेती के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और सरकार की जो भी योजना होगी वो भी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। आपको इस चैनल पर अजब गजब भी दिखाया जाएगा, आपको इस चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिखाई जाएगी। आज मैं आपको अच्छा एक जो सब्जी बनाने का पौधा दिखाऊंगा, उसमें उसका मतलब फल कितने टाइम में लगना चाहिए, उसकी उपज कितनी होनी चाहिए, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा, मैं आपको एक बता दूं, ये मेरा छोटा सा घर है, मैंने काफ़ी सारे पौधे लगा के रखे हैं और विशेष आप सभी को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस है, घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, बाहर नहीं निकले, आप घर से बाहर नहीं निकले और पुलिस प्रशासन सरकार का जितने भी नियम हैं वो नियम आप पालन करो। जितने भी नियम हैं, आप जब ज़रूरत हो घर से निकलने की, जैसे कोई राशन सामग्री लानी है तो उसके लिए ही आप निकले, नहीं तो आप मत निकले। और क्योंकि आप और हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को हराना है, मात देनी है। मैं आप सभी को एक पौधा दिखाऊंगा जिसके फल सब्जी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस पौधे के जो फल है ये गर्मियों में सब्जी बनाने के लिए काम आता है। इसमें 2-3 प्रकार के सब्जी डालकर आप बनाए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो अमेरिकन खेजड़ी बोलते हैं, कम से कम 1 क्विंटल के बाहर सांगरी हुआ करती है और पौधा कितना बड़ा होगा, मात्र 5 या 6 फुट का पौधा होगा और करीबन 1 क्विंटल आपको उसके ऊपर सांगरी मिल जाएगी। ये अब लगनी शुरू हो जाएगी, मार्च में लगनी शुरू हो जाती है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको वो पौधा दिखाऊंगा। इससे पहले आज मैं ये पौधा दिखाऊंगा, गोंदा। गोंदा लगाने का तरीका, गोंदा का पौधा लगाने के 3 साल के उपरांत उसमें फल लगने शुरू होते हैं। सबसे पहले एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो पौधे के जितने भी 3 साल के बाद में जितने भी पौधे के जो पत्ते हैं वो आप दिसंबर जनवरी में तोड़ दीजिए, पूरे के पूरे पत्ते तोड़ दो, फिर आप देखना मार्च अप्रैल में आपको फल लगने शुरू हो जाएंगे और अत्यधिक लगेंगे। तो मैं वो पौधा आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब उसके फल लगने शुरू हो गए और अप्रैल के अंत से पहले पहले पूरे फल लग जाएंगे और भरपूर सब्जी होगी, कम से कम 1.5-2 क्विंटल मतलब सब्जी आपको मिल जाएगी एक पौधे से, करीबन 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल तक आपको मिल जाएगी। मैं वो भी आपको पौधा दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको पौधा दिखाऊंगा, देखिए आप। ये पौधा है, इसको करीबन 4 साल हो चुके हैं, इसके पूरे पत्ते तोड़ने पर ही इसके फल लगते हैं। तो देखिए पूरा फल लगा हुआ है सब्जी करने के लिए और ये आपको करीबन 15-20 दिन में सब्जी इसकी तैयार हो जाएगी।
और आप बाजार में लेके जा सकते हो। आपने ये पौधा तो देखा, अब आप ये देखिए फल, कितने सारे फल लगे हैं। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इतने फल लगे हैं। आप ये दिसंबर और जनवरी के महीने में आप जितने भी पत्ते हैं वो तोड़ दीजिए। ये सब अब देखो पूरे नए पत्ते निकले हैं। आप ये प्रक्रिया करें, ये 3 साल का पौधा होने के बाद में करिए, तब आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।